जनपद हमीरपुर में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, जहां उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जन जन तक पहुंचाई जाए इसके लिए सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अन्ना गौ वंशों को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए, वहां पर चारा पानी भूसा आदि समुचित व्यवस्था रखी जाए, जहां स्वास्थ्य केंद्रों में संजीवनी ऐप के यूजर आईडी एवं पासवर्ड ना देने पर उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से घर घर जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया जा रहा है। शीघ्र ही पूरे बुंदेलखंड में एक एक घर में नल से जल पहुंचेगा। जहां पहले टैंकर से रेल से पानी मंगाना पड़ता था, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी, वीआईपी जिलों में, अब सभी जिले वीआईपी है। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर वन बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के प्रवासी अस्पताल